क्वेश्चन जो हर मम्मा के दिमाग में बार बार आता है, मेरे बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग कब से करना है या टॉयलेट ट्रेनिंग मैं कब से शुरू कर सकती हूँ? सी, डिपेंडिंग ऑन इफ यू बोथ आर वर्किंग पेरेंट्स, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप कौन से एनवायरमेंट में रहते हो, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे वेदर कंडीशंस कैसा है, अकॉर्डिंगली आपको समझना है कि आपको टॉयलेट ट्रेनिंग कभी करना है. वेदर वाइज आपको रियलाइज होगा कि टॉयलेट ट्रेनिंग या टॉयलेट करने का जो अमाउंट है बच्चों का वो चेंज होते रहता है. जैसे बारिश में बच्चे बहुत ज़्यादा सुसू करते हैं, ठंडी के दिनों में भी सुसू का क्वांटिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है. क्वांटिटी से ज़्यादा आई कैन से फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है. समर इज़ वन ऑफ द सीजन जहाँ पे एज स्मॉल एज अ न्यू बॉर्न बेबी उनके सुसू का काउंट थोड़ा सा कम होता है. जैसे बच्चे बड़े होते हैं, यस वो पानी पीते हैं, ऊपर का खाना खाते हैं, दे विल कीप गोइंग टू वॉशरूम या सुसू करने के लिए वो जाते रहेंगे, बट यस फ्रीक्वेंसी इज प्रीटी लेस. सो समर इज अ वेरी गुड सीजन टू स्टार्ट अ टॉयलेट ट्रेनिंग फॉर योर चाइल्ड. आप इंडिया में रहते हो, आउट ऑफ इंडिया रहते हो, जहाँ कहीं भी रहते हो, प्लीज सी टू इट. अगर बहुत ठंडा भी एनवायरमेंट है, बच्चा स्कूल जाने के लिए जब से लगता है प्रीफरेबली उसके पहले आप बच्चे का टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट कर दो, ताकि बाकी सारी चीज़ें बच्चे के लिए थोड़ी आसान हो जाती है, टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग, टू लर्न न्यू थिंग्स, टू मेक न्यू फ्रेंड्स, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है ना. फ्यू वेरी प्रैक्टिकल अप्रोचेस टूवर्ड्स टॉयलेट ट्रेनिंग. टॉयलेट ट्रेनिंग कभी से शुरू करना है? टॉयलेट ट्रेनिंग कैन बी स्टार्ट एज अर्ली एज 6 months ऑनवर्ड्स. श्रेया, बच्चा तो बहुत छोटा है, हार्डली 6 महीने का है, तो हम टॉयलेट ट्रेनिंग इतना जल्दी कैसे शुरू कर सकते हैं? अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर आपका बच्चा नेक बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, आप बच्चे को दो हाथों से बहुत कंफर्टेबली स्टैंड कर पाते हो, बच्चा खुद होकर स्टैंड नहीं दे रहा है बट आप खड़ा कर पा रहे हो, यस फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स टॉयलेट ट्रेनिंग कैन स्टार्ट. अगर आप में से कोई पेरेंट ऐसा है जो कहेगा कि हमें इतना जल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू नहीं करना है, थोड़ा लेटर स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करना है, यस, तो 1.5 साल के आसपास इट्स अ वेरी गुड टाइम टू गेट स्टार्टेड विथ टॉयलेट ट्रेनिंग. टॉयलेट ट्रेनिंग आइडियली कभी से शुरू करना चाहिए? आइडियली आपको डे टाइम में टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करना है. दिन में, क्योंकि आप सब लोग भी जगे हुए हो, कॉन्शियस हो, अलर्ट हो, तो आपको बच्चे के साइंस समझना बहुत आसान हो जाता है. तो आपको बच्चे को पहले डाइपर से निकालना है जब भी आप टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करते हो. तो बेसिकली आपको एक अंदाज अगर है बांधने के लिए कि 1.5 से 2 घंटे के आसपास यूजुअली बच्चा सुसु करता है, यस ये चेंज हो सकता है इंडिविजुअल बच्चे के हिसाब से, बट बेसिक अगर टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करना है तो आपको बच्चे को 1-2 दिन पहले से ही बताना शुरू कर दें कि अभी हम लोग दिन में डायपर नहीं पहनने वाले हैं, अभी हम बड़े बच्चे हो गए. तो बड़े बच्चे कहाँ पे जाके सुसु करते हैं? मम्मा कहाँ पे सुसु करती है? टॉयलेट में. पापा कहाँ पे सुसु करते हैं? टॉयलेट में. दादा दादी फैमिली मेम्बर कहाँ पे जाके सुसु करते हैं? टॉयलेट में. तो भी आप भी बड़े बच्चे हो गए, तो मम्मा अभी से आपको टॉयलेट में लेके जाएगी सुसु करने से पहले. इस टाइम को यूजुअली कितना टाइम लगता है बच्चे को टॉयलेट ट्रेन होने के लिए? कुछ बच्चों को 8 दिन, कुछ बच्चों को 1 महीना. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड, बट सीक्वेंस रिमेन्स द सेम. थोड़ा सा पेशेंटली करना. सो बेसिकली बच्चे को डाइपर पहनाना बंद करना है इन अ डे टाइम. दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट टॉयलेट ट्रेनिंग. तो दिन में डाइपर नहीं पहनाना है. यस, कभी कभी थोड़ा सा मैस हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, पैंट्स गीले हो जाएंगे, बच्चा चलते चलते वॉशरूम कर देगा, आपको सुसु क्लीन करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके, गो फॉर इट. थोड़ा सा मेहनत है बट ये कर दोगे, बच्चा टॉयलेट ट्रेन हो जाएगा, इट बिकम्स लिटिल मोर ईजी. तो सुसु करने के लिए लेके जाना है. मैंने मेरी डॉटर के लिए टॉयलेट सीट कभी नहीं खरीदा था. मैं उसको वॉशरूम में लेके जाती थी, खड़ा करती थी, उसके पाँव के ऊपर ठंडा पानी डालती थी, मतलब अपने टैप वाटर, एंड आई हैज टू मेक अ साउंड लाइक 1-2-4 बार. यह भी मैंने स्टार्टिंग में किया तो भी उसको सुसु करने के लिए बहुत टाइम लगा, बिकॉज ये समझने के लिए कि ये सब ये लोग मुझे सुसु करवाने के लिए कर रहे हैं.
बट आफ्टर 4 to 5 times मैं जब भी उसको लेके जाने लगी, पाव पे पानी डालो एंड शी विल डू द सुसु. तो वो धीरे धीरे बच्चे का माइंडसेट बन जाता है कि ये मुझे लेके जाता है और ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जब भी फॉलो होता है तभी मुझे सुसु करना है. तो ये आपको हर 1.5 से 2 घंटे बाद, अगर आपको लगता है आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो या आप ऑफिस में हो, दादी या केयर टेकर को ये चीज़ करना है, तो प्रिफरेबली सेट एन अलार्म ऑन योर मोबाइल फ़ोन और आपको ये चीज़ रूटीनली फॉलो करना है कि आप बच्चे को हर 1.5 से 2 घंटे बाद आप बच्चे को वॉशरूम करवाने के लिए लेके जाओ. सेकेंड आस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग्स, जैसे मैंने बोला एक ट्रिक ऐसी है कि बच्चे के पाँव के ऊपर पानी डालो. सेकेंड ट्रिक ऐसा है कि आप कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ साउंड निकाल, ये चालू हो सकता है. मेरी एक स्टूडेंट मम्मा है जिसके केस में वो बच्चे को वॉश टॉयलेट में लेके जाती थी और टैप चालू करती थी, जैसे पानी बहता था वैसे उसका बच्चा सुसु कर देता था. सो यू विल हैव टू डू ट्रायल एंड एरर एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें आपके बच्चे के साथ काम कर रही है. थर्ड थिंग, लेट्स डिस्कस अबाउट वन ऑफ द पॉइंट जो मैंने टच किया था, टॉयलेट सीट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए. द वे आई वॉज एक्सप्लेनिंग, मैंने नहीं खरीदा था, बट अगर आपका बच्चा कलर्स को लेके बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, उसने किसी के घर पे टॉयलेट सीट देखा था, आप सेपरेट टॉयलेट बाय कर सकते हो या वो रिंग बाय कर सकते हो जो आपके टॉयलेट सीट पे रहेगा और बच्चा उसके ऊपर बैठ के सुसु करेगा. सो ईदर ऑफ द ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि आपको टॉयलेट सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है या सेपरेट टॉयलेट पॉट ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप वो प्रीफर कर सकते हो. बट यूजुअली बच्चों को रिंग इज़ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन, जो मैंने पेरेंट्स के केस में भी देखा है. रखना, संभालना, क्लीन करना इज़ ऑल्सो वेरी ईजी और बहुत अलग अलग कलर ऑप्शंस मिलते हैं. बच्चे बहुत हैप्पीली टॉयलेट रिंग के ऊपर बैठते हैं, बच्चों का टॉयलेट रिंग हियर आई एम टॉकिंग अबाउट, ताकि उसमें रिस्क कम होता है बच्चा गिरने का. वो टॉयलेट रिंग छोटा होता है, कंफर्टेबली आपके टॉयलेट सीट के ऊपर फिट हो जाता है एंड यू गेट इट वेरी इजीली इन द मार्केट. नेक्स्ट टिप, जब भी आपको बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना है, आपको याद रखना है कि आपको बच्चे को एनकरेज करना है. दिस कैन बी डन एज एन एंटायर फैमिली, दिस बेसिकली कॉल्ड एज पॉजिटिव मोटिवेशन. ये एक पेरेंटिंग ट्रिक है जो थ्रू आउट पेरेंटिंग में काम में आएगा. कोई भी चीज़ जो आपको लगता है बच्चे ने बार बार करनी है या बच्चे ने रिपीट करनी है, तो आपको उसको बच्चे को मोटिवेट करना है, उसको बहुत सारा अटेंशन देना है. जैसे आप फैमिली बोले अरे वाह वेरी गुड, आप तो बड़े बच्चे हो गए तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करने लगे, वाह ये कभी से होने लगा. अगर मम्मा बच्चे को लेके जा रही है, मम्मा बाहर आके बोल सकते दादी आपको पता है आज हमने अंदर जाके टॉयलेट किया, एंड एवरीबडी कैन क्लैप फॉर द चाइल्ड. सो बच्चे को लगता है कि वाह, बिकॉज हर छोटे बच्चे को बड़ा होने में बड़ा मजा आता है. और जब ये सब बड़े बहुत अप्रिसिएशन करते हैं, योर चाइल्ड विल टेंड टू रिपीट दैट एक्शन और बच्चा खुद होके बार बार टॉयलेट में जाके वॉशरूम करना प्रीफर करेगा. सो दैट्स ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्डनेस क्रिएट होता है. तो बच्चे के लिए पॉजिटिव मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. नेक्स्ट ट्रिक जो बच्चे के लिए हेल्प कर सकती है, इट्स बेसिकली अबाउट स्टोरीज. आप बच्चे को बहुत आराम से स्टोरीज बता सकते हो, जिसमें जैसे मैं मेरे बच्चों को स्टोरीज बता रही थी, एक पेपा पिग होता है और एक जॉर्ज होता है. ता है जब भी वो बड़े हो गए, पहले वो छोटे थे तो आपकी तरह डायपर में सुसु करते थे, लंगोट में सुसु करते थे, किधर भी सुसु करते थे. फिर वो बड़े हो गए, फिर वो स्ट्रांग हो गए और फिर उनको समझ में आया कि टॉयलेट ना हमको अंदर जाके करना चाहिए. तो हम अपने पैंट्स ड्राई रख सकते हैं और हम बहुत कंफर्टेबली आराम से खेल सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज हमारे पैंट गीले होते हैं, फिर मम्मा क्लीन करती है, वॉश करती है, फिर नया पैंट पहनाती है, तो आपके खेलने में से थोड़ा सा टाइम चला जाता है ना. आपको पता है वाटरमेलन ये वो फ्रूट था जो पेपा पिक का बहुत अच्छा फ्रेंड था, और वाटरमेलन उसको बोलता था कि आप क्यों चड्डी में सुसु करते हो, और फिर पेपा पिक ने बोला कि अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मैं चड्डी में सुसु नहीं करता हूँ. सी बहुत बार आपको ये स्टोरी अभी भी सुनते हुए लगेगा क्या कनेक्शन है वाटरमेलन, पेपा पिग, जॉर्ज पिग, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, टॉयलेट पैंट्स. एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं है, बट वी ऑलवेज से कुछ ऐसे स्टोरीज बनाओ जिसमें बच्चे के फेवरेट 2-3 कैरेक्टर ले लो. मेरे बच्चे को वाटरमेलन बहुत पसंद है, वाटरमेलन इज अ जूसी फ्रूट, तो मैंने बच्चे को वाटरमेलन इंट्रोड्यूस ही किया था कि आपका पेपा पिग फ्रेंड है, पेपा पिग का वाटरमेलन फ्रेंड है.
तो आपका भी वाटरमेलन फ्रेंड हुआ कि नहीं? और मेरा बच्चा कहता हाँ वाटरमेलन भी मेरा फ्रेंड है। सो इसीलिए जब भी टॉयलेट का या सुसू का मैंने कोई स्टोरी बनाया तो उसमें वाटरमेलन ले लिया, उसमें पेप्पा पिग ले लिया, जॉर्ज पिक को ऐसे ही ऐड कर दिया एंड इट बिकम्स अ बिट मोर लुकिंग फॉरवर्ड नेस्ट टूवर्ड्स कॉपिंग वो कार्टून कैरेक्टर जो आपके बच्चे को बहुत पसंद है। नेक्स्ट टिप जो आपको हेल्प कर सकता है इस सारी जर्नी में, आप बच्चे के लिए कुछ बहुत लवली ब्यूटिफुल सा शॉपिंग कर सकते हो बच्चे को साथ में लेके जाके। सो वन ऑफ द थिंग दैट वी से दैट बाइंग लवली ब्लूमर्स, मतलब इनरवेयर्स आप कुछ ऐसे बाय करो जिसके ऊपर के प्रिंट्स बच्चे को बहुत पसंद है, जैसे बार्बी प्रिंट्स है, स्पाइडरमैन प्रिंट्स है, फ्रोजन प्रिंट्स है। तो आप बच्चे को बोल सकते हो कि आपको ये पहनाया है मैंने, ये ड्राई ड्राई है, आपको बहुत पसंद है ना आपके फेवरेट कैरेक्टर्स के कपड़े पहनना। जब भी हम वॉशरूम, जब भी हम लोग सुसु अंदर जाके करेंगे तो आपके ये पैंट्स ड्राई रहेंगे और उसको आप उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए पहन सकते हो। अगर आपने सुसु कर दिया तो मम्मा को बारबी का पैंट निकालना पड़ेगा और फिर आपको दूसरा पैंट पहनाना पड़ेगा। अगर आप वॉशरूम में जाके सुसु करते हो तो आप आपके बारबी पैंट्स, आपके स्पाइडरमैन के पैंट्स, आपके ब्लूमर्स बहुत लॉन्ग टाइम के लिए पहन सकते हो एंड दैट बिकम्स अ वेरी गुड ट्रिक। लास्ट ट्रिक जो मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करना है, जो मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से काम किया था डे टाइम ट्रेनिंग को लेके, इट्स कॉल्ड इन्फॉर्म बिफोर यू परफॉर्म एनी एक्शन। बच्चों को पहले से इन्फॉर्म करो, चलो हम लोग को सुसु करने के लिए अंदर जाना है, 5 मिनट में हम लोग सुसु करने के लिए अंदर जाने वाले हैं, हम लोग अंदर जाके सुसु करेंगे, ओके? या आपको कुछ स्टार्टिंग के दिनों के लिए करना पड़ेगा सो बच्चे का माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे हर थोड़ी देर के बाद सुसु करने के लिए अंदर जाना है। सो इन्फॉर्म करने की वजह से बच्चा वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता है एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। सी कोई भी चेंज परमानेंट होने के लिए सबकॉन्शियस चेंज होना बहुत ज़रूरी है और सबकॉन्शियस चेंज होने के लिए क्वांटिटेटिव चेंज चाहिए। एक बार चेंज करने से बच्चे को समझ में नहीं आएगा। हम लोग वीकेंड में बहुत केयरफुल करते हैं, नहीं चलेगा। आप जो भी रूटीन फॉलो करते हो, स्पेसिफिक जगह पे लेके जाना, स्पेसिफिक रिंग पे बिठाना, स्पेसिफिक जेस्चर करना लाइक पानी डालना या सुसु जैसा आवाज़ निकालना या कोई स्टोरी बताना या इन्फॉर्म परफॉर्म करना या अप्रिशिएट करना, जो भी है आपको इनफ नंबर ऑफ टाइम्स रूटीन में करना पड़ेगा। द क्वांटिटेटिव चेंज विल क्रिएट अ क्वालिटेटिव चेंज। तो आप बार बार अगर ये चीज करोगे तो आपको रियलाइज होगा बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट हो गई है कि अभी मुझे सुसु अंदर जाके करना है एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प। प्रीफरेबली अवॉइड ब्राइबिंग योर चाइल्ड या गिविंग टू मेनी रिवॉर्ड्स। आप सुसु अंदर करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगा, आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। सो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सबसे बेस्ट रिवॉर्ड से मोटिवेट होता है, सो फ्यू ऑफ द बेसिक रिवॉर्ड दैट यू कैन यूज लाइक गिविंग अ स्टार और क्रिएटिंग अ स्माइली या उसके बोर्ड के ऊपर कोई स्टार या एक स्टिक देना। जैसे मेरे पास कैंडी स्टिक थे और हम उसके ऊपर स्टार बड़ा चिपकाते थे, बच्चे को बोलते थे दिस इज योर टुडे स्टार कैंडी। अगर ऐसे कुछ करना है तो आप कर सकते हो। दिस यू कैन डू अक्रॉस अ डे। अगर आप 15 से 20 दिन भी ये चीज़ें फॉलो करते हो तो भी आपको रियलाइज होगा कि बच्चे का सुसु का पैटर्न कैसा है। कुछ कुछ बच्चे हर 1.5 घंटे में करते ही नहीं है, हर 2 से 2.5 घंटे बाद करते हैं। तो अगर आप 1.5 घंटे बाद बच्चे को लेके गए, बच्चे ने किया नहीं, तो आपको 1.5 घंटे बाद वापस लेके जाना है। सो दिस थिंग कैन एक्चुअली हेल्प। वी आर डूइंग वन सेपरेट वीडियो अबाउट बेड वेटिंग या बच्चे को रात में सुसु ट्रेन कैसे करना है। डू वॉच आउट फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। अभी के लिए इतना ही। बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग करना इज अ लिटिल हेक्टिक टाइम एंड इट नीड्स अ बिट ऑफ अ प्लानिंग, बट कर दो, एक बार हो जाएगा, बच्चे भी खुश, मम्मा भी खुश, चीज़ें काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। रात का टॉयलेट ट्रेनिंग, यस, वील टॉक अबाउट इट। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।